मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा, पटाखे के गोदाम में हुआ जबरदस्त धमाका। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत, 7 लोग घायल। धमाके के कारण जमींदोज हुई पूरी इमारत, मलबे में बदल गई इमारत। यूपी के ग्रेटर नोएडा में भी दर्दनाक हादसा हुआ, तेज रफ्तार कार की सड़क पर खड़े कैंटर से टक्कर। घर में बहस के बाद गुस्से से निकला था 25 साल का युवक, हादसे में मौके पर हो गई मौत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है, मिशन लाइफ का किया है उन्होंने उद्घाटन। पीएम मोदी बोले, पर्यावरण को बचाने वाली जीवन शैली पर होना चाहिए हमारा जोर। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। केवड़िया में मिशन प्रमुखों के 10वें सम्मेलन में शामिल हुए, मॉरिशस, गुयाना, नेपाल के प्रधानमंत्री भी रहे मौजूद। केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी परिसर के संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटरेस से मिले, दोनों के बीच द्विपक्षीय वार्ता। व्यारागो पीएम देंगे करीब 2000 करोड़ की सौगात, सतपुरा से स्टेच्यू ऑफ यूनिटी तक सड़क सुधारने के बड़े प्रोजेक्ट की करेंगे शुरुआत। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ और बद्रीनाथ जाएंगे, पहले केदारनाथ के करेंगे दर्शन, कल ही बद्रीनाथ के लिए भी होंगे रवाना। केदारनाथ में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर तैयारियां, पुनर्निर्माण कार्यों का लेंगे जायजा। कल सुबह 11 बजे बद्रीनाथ पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम। बद्रीनाथ मंदिर को फूलों से सजाया जा रहा है, पीएम मोदी कल बद्रीनाथ में ही करेंगे विश्राम। इस बार भी विशेष होगी अयोध्या की दीपावली, 23 अक्टूबर को छोटी दिवाली पर प्रधानमंत्री मोदी जाएंगे अयोध्या। राम की पैड़ी पर 15 लाख दीपक जलाने के वर्ल्ड रिकॉर्ड की तैयारियां शुरू हो गई, निरीक्षण करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी ने दीपोत्सव को भव्य बनाने के दिए निर्देश, पूरे शहर में सजावट का काम जारी। रामलीलाओं के मंचन को 7 मंचों में बांट दिया गया, विदेशी कलाकार भी हिस्सा ले रहे हैं। कुल 12 लेजर शोज होंगे, 11 होंगी और झांकियां होंगी 14। 23 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रामलला के दर्शन करेंगे, श्रीराम के राज्य अभिषेक के साक्षी बनेंगे मोदी, सरयू के नए घाट पर करेंगे आरती। अमित शाह ने दिल्ली में कूड़े से बिजली के प्लांट का किया उद्घाटन, कहा दिल्ली में विज्ञापन से भ्रम फैलाने का प्रयास। इस प्लांट से हर दिन 200 मीट्रिक टन कूड़े का निपटारा, 25 मेगावाट बिजली का होगा उत्पादन। उद्घाटन में दिल्ली के उपराज्यपाल मौजूद, स्थानीय आप विधायक को नहीं बुलाया गया। दिल्ली के भलसवा लैंडफिल साइट पर आपका प्रदर्शन, कूड़े को लेकर नाराज। दुर्गेश पाठक के साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद, अमित शाह को लैंडफिल साइट देखने की दी चुनौती। भारत जोड़ो यात्रा का आज 43वां दिन, बानाबासी हालाहार्वी से गुजरेगी राहुल की यात्रा। यात्रा में शामिल हुई छोटी सी बच्ची, राहुल ने थमाया झंडा, किया दुलार। रास्ते में राहुल गांधी एक बुजुर्ग दंपति के घर पहुंचे, खुद रिकॉर्ड किया संदेश। हिमाचल चुनाव के लिए प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी, 8 जनसभाएं और 4 रोड शो करेंगी। प्रियंका की मंडी और कुल्लू में 31 अक्टूबर को रैली है, राहुल भी एक रैली कर सकते हैं। आरएसएस ने फिर से उड़ाया जनसंख्या विस्फोट असंतुलन का मामला, जनसंख्या नीति बनाने की मांग। धर्मांतरण को लेकर भी आरएसएस को चिंता, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होस बोले बोले, बांग्लादेशी घुसपोड़ियों से बढ़ रहा है असंतुलन। इस असंतुलन के कारण देश के बाहर अन्य देशों में उस देश के विभाजित करने के नौबत भी आई। जनसंख्या असंतुलन को लेकर मोहन भागवत भी जता चुके हैं अपनी चिंता, जोर पकड़ रही है जनसंख्या नीति बनाने की। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नितेंद्र सिंह यादव ने कहा, देश का माहौल खराब करने का प्रयास। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने दत्तात्रेय होस बोले के बयान से जताई सहमति, कहा आज की जरूरत है जनसंख्या नियंत्रण। आरएसएस के बयान पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी की प्रतिक्रिया, चुनाव से पहले की है यह तैयारी।
मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा, इस ढंग से बयान देना ठीक नहीं, यह खैर समाराना। सीएम योगी ने की संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात, जनसंख्या असंतुलन पर की चर्चा। सीएम योगी ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को दीपोत्सव में आने का निमंत्रण दिया, मंदिर निर्माण की पूरी जानकारी भी दी। वाराणसी में एनआईए की बड़ी कार्रवाई, पकड़ा गया आईएसआईएस का सक्रिय सदस्य। वाराणसी के मकबूल आलम रोड का रहने वाला है बासित कलाम सिद्दीकी, आपत्तिजनक सामान भी जब्त। बासित कलाम को दी गई थी युवाओं की भर्ती करने की जिम्मेदारी, पिता से भी रात भर पुलिस ने की पूछताछ। अफगानिस्तान में अपने आकाओं के इशारे पर विस्फोटक ब्लैक पाउडर बनाने में जुटा था बासित, मोबाइल फोन लैपटॉप पेनड्राइव सभी जब्त। वॉइस ऑफ हिंद मॉड्यूल के खुलासे, कासिम खुरासानी समेत 6 लोगों की गिरफ्तारी के बाद ऑनलाइन पत्रिका चलाने का आरोप, नाम था खुरासान की आवाज। संयुक्त राष्ट्र में चीन ने फिर से किया आतंक का बचाव, भारत अमेरिका ने रखा था प्रस्ताव। पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद के विरुद्ध था प्रस्ताव, चीन ने किया वीटो। लश्कर का प्रमुख हाफिज सईद का बेटा है हाफिज तलहा, मुंबई आतंकवादी हमले का मुख्य आरोपी है हाफिज सईद। जेल में बंद अतीक अहमद की लखनऊ कोर्ट में पेशी, साबरमती की जेल में अतीक अहमद है बंद। अतीक अहमद के विरुद्ध रंगदारी वसूलने का मामला, देवरिया जेल में भी इसने की थी मारपीट। रेप केस में दोषी डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने यूपी से ऑनलाइन सत्संग किया, परूल पर हैं आजकल बाहर। करनाल में ऑनलाइन सत्संग में जुटे कई बड़े नेता, बीजेपी जिला अध्यक्ष योगेंद्र राम मौजूद। मेयर वेणु बाला गुप्ता, सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी भी सत्संग में आए, जिला पंचायत चुनाव में खड़े होने वाले उम्मीदवार भी सत्संग में शामिल हुए। बात बना रहे जी बेटा, और पहले भी आप करनाल आए थे और स्वच्छता का जो संदेश आपने दिया था उससे करनाल आगे बढ़ा है। डिप्टी मेयर बोली, जेल मंत्री और न्यायालय को परोल देने का अधिकार, इसे चुनाव से जोड़ना ठीक नहीं। पराली जलाने के मामलों में नहीं आई कोई कमी, आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट से हुआ खुलासा। अमृतसर से लेकर बठिंडा तक कई जगह जल रही है पराली, जलने में जबरदस्त प्रदूषण, जल्दी पराली का धुआं आ जाएगा दिल्ली, करोड़ों रुपए खर्च होने के बाद भी नहीं आई है किसानों में जागरूकता। दिल्ली एनसीआर में पटाखों के लगे प्रतिबंध को हटाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से मना कर दिया, पटाखा विक्रेताओं की ये याचिका थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लोगों को साफ हवा में सांस लेने दीजिए, अपना पैसा आप मिठाई पर खर्च कीजिए। एक पीआईएल से बढ़ सकते हैं ठाकरे परिवार की परेशानी, पूछा गया कमाई का जरिया, संपत्ति की डिटेल्स भी बताने की पीआईएल में हुई मांग। गौरी भिड़े ने दायर किया याचिका, कहा ठाकरे परिवार ने कभी नहीं बताया अपना पेशा, फिर भी कैसे बन गई इतनी संपत्ति। याचिका में दावा, मुंबई रायगढ़ जैसे शहरों में ठाकरे परिवार की अपार संपत्ति, कोरोना के दौरान मुनाफे में रही ठाकरे परिवार की कंपनी। शाहरुख के बेटे आर्यन के मामले में खुलासा, वानखेड़े में जानबूझकर किया गया था टारगेट, एक महीने की जेल काटी थी आर्यन ने। आर्यन के पास से नहीं मिला था कोई ड्रग, दोस्त लाया था ड्रग्स, चैट के आधार पर पकड़ लिया गया था। बेंगलुरु में भारी बारिश, सड़कों गलियों में पानी ही पानी, तेज रफ्तार पानी में बहने लगे बाइक स्कूटर, लोगों के लिए संभालना हुआ मुश्किल। सड़क किनारे दुकानों में भर गया पानी, लोग अपना सामान बचाने में जुटे। बारिश के बीच मेट्रो के साथ वाली दीवार गिरी, कई गाड़ियों पर गिर गया उसका मलबा। कर्नाटक के कलबुर्गी में तेज बारिश, कई इलाकों में पानी भरा। चमोली ऊंचाई पर मौसम ने बदली करवट, हेमकुंड साहिब में बर्फबारी हुई शुरू, बर्फबारी के साथ रुक रुक कर बारिश भी हो रही है, जबरदस्त ठंड पड़ने लगी है। 10 अक्टूबर को ही बंद हो चुके हैं हेमकुंड साहिब के कबाट, गुरुद्वारा प्रबंधन ने किया निरीक्षण।
जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी, गुलमर्ग में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। गांधरबल के सोनमर्ग में भी मौसम की पहली बर्फबारी हुई, पूरा इलाका बर्फ से ढका। बिहार में अब निकाय चुनाव दिसंबर तक होने की संभावना, हाईकोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार होंगे चुनाव। झारखंड के गढ़वा जिले में बूढ़ा पहाड़ से 51 आईईडी बम बरामद, मंगलवार को मिले थे 22 आईईडी बम। दो हैंड ग्रेनेड्स, टेटोनेटर वायर, कॉपर वायर, बैटरी, जिलेटिन बरामद, पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई। ओम प्रकाश राजभर की सावधान यात्रा खासेपुर में, कार्यकर्ताओं ने किया अधिकार की लड़ाई के लिए एकजुट होने का आह्वान। झांसी के प्रभारी मंत्री संजय निषाद ने की समीक्षा बैठक, कानून व्यवस्था को लेकर फसल की बर्बादी पर किया विचार। मुजफ्फरनगर में 5 लोगों ने हिंदू धर्म में वापसी की, शुद्धि यज्ञ के बाद फिर से हिंदू बने। तुरमला में फिलहाल वीआईपी दर्शन बंद, दीपावली के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया। लखनऊ में गाय के गोबर से बन रहे हैं दीपक, अयोध्या में होंगे इस्तेमाल। श्योपुर में मध्य प्रदेश फार्म गेट ऐप के कार्यक्रम में बवाल, कार्यक्रम के बीच किसान नेता ने आलोचना की तो मंच छोड़कर चल दिए बीजेपी के नेता। औरैया में अवैध शराब के विरुद्ध छापे, 2 को गिरफ्तार किया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में डेंगू मरीज की संख्या में बढ़ोतरी, बनाया गया डेंगू मरीजों के लिए अलग वार्ड। गाजियाबाद में भी डेंगू का प्रकोप, अब तक 400 से ज्यादा लोग डेंगू के शिकार। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लखनऊ नगर निगम से डेंगू पर मांगा जवाब, कल फिर से होगी सुनवाई। पटना में बढ़ रहे हैं लगातार मामले, केंद्रीय टीम ने दौरा करके स्थिति का निरीक्षण किया। रायगढ़ में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, 3 की मौत। शाहजहांपुर में घरों में चल रही 2 अवैध पटाखा फैक्ट्री का भंडाफोड़, आतिशबाजी और बड़ा जखीरा बरामद। कैथल में 2 लाख रुपए रिश्वत लेते बिजली विभाग के एसडीओ गिरफ्तार, बिजली लाइन शिफ्ट करने के लिए मांगे थे 8.5 लाख। बांदा में भीषण सड़क हादसे में एक महिला समेत 2 की मौत, बाइक सवारों ने मारी टक्कर। चंद्रपुर में बाघ के हमले में 2 चरवाहों की दर्दनाक मौत, मवेशियों को चराने के लिए जंगल में गए थे चरवाहे। झालावाड़ में क्रेन की टक्कर में 12 साल के बच्चे की मौत, लोगों ने किया जमकर हंगामा।